है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हर बात का, हर भाषण का और हर एक तस्वीर का कुछ मायना जरूर होता है। गहलोत जो कुछ करते हैं, कहते हैं या फिर सोच समझ कर ही उसको कहते हैं, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का बजट पेश करने से मुख्यमंत्री ने बजट तैयार करने वाली टीम के साथ एक फोटोग्राफ क्लिक करवाई। इस तस्वीर में कुछ और तस्वीरें भी नजर आ रही है। तस्वीर के अंदर की तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही है और वही हुआ जो बयां हो रहा था। जी हाँ, इस बजट घोषणा में सामने भी सभी क्या गया। सीएम की तस्वीर में श्री राम, सीता, गाय और गांधी की तस्वीर ऐसे ही नहीं थी, इसके मायने थे। देखिए तस्वीर को बयां करती हुई ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री आवास पर बजट तैयार करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस तस्वीर में आपको गहलोत के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, शासन सचिव वित्त राजस्व कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव वित्त रोहित गुप्ता, शासन सचिव वित्त नरेश कुमार ठकराल और निदेशक और ब्रजेश शर्मा नजर आ रहे होंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो आपको सामने महात्मा गांधी की मूर्ति, पीछे भगवान श्री राम की मूर्ति नजर आएगी, पीछे की तरफ हरे पेड़ के नीचे गौ माता दिखेगी, तो दूसरी तरफ नृत्य करते आदिवासी नजर आएंगे। सीएम गहलोत के साथ ये तस्वीर ऐसे ही नहीं नजर आई है। इनका मतलब ये था कि बजट में इन पर फोकस था। जब मुख्यमंत्री ने 3 घंटे से अधिक समय तक बजट भाषण पढ़ा तो गांधी, राम, गाय और आदिवासी से जुड़ी घोषणाएं सामने आ ही गई। बजट तैयार करने के बाद आई थी सीएम गहलोत की तस्वीर। तस्वीर में गांधी, राम, गाय, हरियाली और आदिवासी दिखाई दे रहे थे, तभी संभावित बजट के अर्थ निकाले गए थे। अब बजट पेश होने पर पूर्व अनुमान सही साबित हुए। मुख्यमंत्री ने सबसे आगे महात्मा गांधी की मूर्ति रखी थी। बजट में महात्मा गांधी से जुड़ी कई योजनाएं घोषित हुई। 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने की घोषणा, महात्मा गांधी न्यूनतम गारंटी आय योजना की घोषणा, जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान, 50,000 महात्मा गांधी सेवा प्रेरक बनेंगे। तस्वीर में गाय और हरियाली दिखाई दे रहे थे। बजट में उनसे जुड़ी हुई बड़ी घोषणाएं, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा, पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना की घोषणा, गौशाला और नंदीशालाओं पर 1100 करोड़ खर्च होंगे, लंपी बीमारी के दौरान दुधारू गौवंश की हुई मृत्यु पर राहत, पशुपालक को प्रति गाय 40,000 रुपए देने की घोषणा, प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका खोलने का ऐलान, राजस्थान ग्रीनिंग एंड रिवाइल्डिंग मिशन की घोषणा, RFBDP योजना में 1694 करोड़ के काम का ऐलान। तस्वीर में राम सीता की मूर्ति, सीएम ने बजट घोषणा में किया अहम ऐलान, तीर्थ यात्रा योजना में अब अयोध्या को भी जोड़ा गया, 2 वर्षों में 1,00,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा कराई जाएगी। तस्वीर में नृत्य करते हुए आदिवासी, अब बजट में आदिवासी क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा, ST विकास कोष 500 से बढ़ाकर 1,000 करोड़, राजसमंद और प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, सोम कमला अम्बा बांध से जल प्रदाय योजना की घोषणा, नए स्कूल कॉलेज खुलेंगे, नई सड़कें बनेंगी। मुख्यमंत्री के इस बजट में हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिला है। बचत के इंतजाम के साथ बड़ी राहतें भी दी गई हैं। तो अब इन घोषणाओं के आधार पर राजनीतिक बढ़त लेने की तैयारी भी हो गई है। नरेश शर्मा, फास्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।